हॉरर फिल्मों की स्टार्टिंग रामसी ब्रदर्स ने की थी और उन्होंने ऐसी ऐसी हॉरर फिल्म्स बनाई जिसकी वजह से लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाया करती थी। इन्हीं रामसी ब्रदर्स में से एक श्याम रामसी ने आज सुबह 5 बजे दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें काफ़ी टाइम से निमोनिया की शिकायत थी जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहाँ आज उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पाले क्रिमेटोरियम में किया जाएगा। आज हम आपको रामसी ब्रदर्स की पूरी कहानी बताते हैं क्योंकि ये वो यूनिटी है जिसे हिंदी सिनेमा की डर से पहचान करवाई। रामसी ब्रदर्स की बात की जाए तो ये 7 भाई हैं और सातों भाई हर किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करते थे। सबके हिस्से में अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे। कुमार स्क्रिप्ट लिखते थे, गंगू कैमरामैन सिनेमेटोग्राफी करते थे, केशु प्रोडक्शन देखते थे, किरण साउंड डिपार्टमेंट संभालते थे, तुलसी और श्याम मिलकर फिल्में डायरेक्ट करते थे और अर्जुन इनकी शूट की हुई फिल्में एडिट करते थे। और इन सब की शुरुआत जिस वजह से हुई वो बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, तो आइए हम आपको उस बारे में बताते हैं। रामसी ब्रदर्स 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले कराची में रहते थे और वहाँ रामसी ब्रदर्स के पिता, जिनका नाम फतेह चंद राम सिंघानी था, एक बिजली बत्ती की दुकान चलाते थे। उस टाइम सभी जगह ब्रिटिशर्स का राज था और उनकी दुकान पर आने वाले लोग हिंदी कम जानने की वजह से उनका नाम ठीक से नहीं बोल पाते थे और वो उन्हें रामसी कहकर बुलाते थे, तो उन्होंने अपना बोर्ड हटाकर वहाँ रामसी नाम का बोर्ड लगा दिया। तब से उनका नाम रामसी पड़ गया। बंटवारे के बाद जब वो मुंबई आए तो उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कुछ ज़्यादा नहीं चला, इसलिए उनका ध्यान उस दौर में अपनी शुरुआत कर रही फिल्म इंडस्ट्री की ओर गया। 1954 में आई शहीद आज़म भगत सिंह बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म थी जो कुछ खास नहीं चली, लेकिन पृथ्वीराज कपूर और सुरैया को लीड रोल में लेकर बनी अगली फिल्म रुस्तम सोहराब सफल रही। दो फिल्मों के बाद सक्सेस रेट 50-50% था, लेकिन उनकी तीसरी फिल्म एक नन्ही मुन्ही सी लड़की बिल्कुल ही नहीं चल पाई। इसके बाद फतेह चंद ने फिल्म प्रोडक्शन बिजनेस छोड़ने का मन बना लिया। श्याम और तुलसी राम से फिल्म पर ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए खुद मूवी देखने जाते थे। मूवी लगातार फ्लॉप हो रही थी, लेकिन उनकी एक फिल्म जिसका नाम एक नन्ही मुन्ही सी लड़की था, उसके एक सीन में पृथ्वीराज कपूर भारी भरकम कॉस्ट्यूम में मास्क और ऊंचे बूट्स पहनकर म्यूजियम में चोरी करने जाते हैं। तुलसी रामसे की भाषा में कहें तो इस दौरान पृथ्वीराज कपूर किसी मॉन्स्टर जैसे दिख रहे थे। पुलिस उन पर गोलियां चलाती है, लेकिन बुलेट्स उनके शरीर से टकरा कर नीचे गिर जाती है। इस सीन को देख कर लोग डरे भी और खूब तालियां भी बजाई। तब रामसी ब्रदर्स को समझ आ गया कि ऑडियंस क्या देखना चाहती, लेकिन फतेह चंदानी आगे फिल्म बनाने के मूड में नहीं थे, लेकिन सातों भाइयों ने मिलकर उन्हें मनाया और इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत भी लगी। वे इसके लिए 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी खरीद कर लाए। इसके बाद श्रीनगर पहुंचे और एक बोट में खुद को कैद कर लिया। अगले 3 महीने तक सभी भाइयों ने ये किताब पढ़ी, प्रैक्टिकल किया और खुद को फिल्म मेकिंग में ट्रेन किया। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ये लड़के वापस मुंबई पहुंचे और फिल्म में इतिहास बनाने लगे। रामसी ब्रदर्स की पहली फिल्म थी 2 गज जमीन के नीचे और उनकी इस पहली पिक्चर के साथ भी एक ऐसा किस्सा जुड़ा हुआ है। इस पिक्चर को रियल लोकेशन पर शूट किया जाना था। महाबलेश्वर में एक कब्रिस्तान में खुदाई की परमिशन मिलने के बाद जब पिक्चर के सीन के लिए खुदाई की तो वहाँ सच में एक लाश निकल आई, जिसकी वजह से सारे क्रू मेम्बर्स बहुत ही डर गए और इससे वहाँ की लोकल पब्लिक भी नाराज़ हो गई और इन्हें घेरने लगी। सारी टीम जैसे तैसे वहाँ से बचकर निकली। ये फिल्म तैयार होकर थिएटर में रिलीज़ हुई और इससे काफ़ी मुनाफा कमाया। इसके बाद तो इस जोनर की फिल्मों का दौर चल पड़ा। इस दौरान उन्होंने दरवाज़ा और कौन, गेस्ट हाउस, दहशत, पुराना मंदिर, सामरी, वीराना, पुरानी हवेली जैसी तमाम फिल्में बनाई। रामसी ब्रदर्स का एक स्टाइल था जिसे लेकर वो अपने एक्टर्स तय करते थे। उनका मानना था द बॉय शूड बी स्मार्ट एंड द गर्ल शूड बी सेक्सी, यानी लड़के अच्छे दिखने चाहिए और लड़कियां सेक्सी लगनी चाहिए। और इसी तरह से रामसी ब्रदर्स का फिल्मी सफ़र आज भी जारी है और अब उनकी आगे ले जाने की कोशिश में उनकी बेटी लगी हुई है। 2018 में तुलसी रामसी की डेथ के बाद आज श्याम रामसी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.